नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वीटू सक्सेस पर। और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं वो टॉप 12 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी जो कि ऑलरेडी काफी टाइम पहले से अनाउंस हो रखे हैं और आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन कोई भी ऑफिशियली नहीं जानता कि कौन सी वैकेंसी कब आएगी। और फ्रेंड्स, ये वैकेंसीज मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी है, बहुत सारे लोग इन वैकेंसीज का बेसब्री से वेट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, काफी सारे लोग हमेशा बार बार कमेंट करके पूछते रहते कि वो वैकेंसी कब आएगी, ये वैकेंसी कब आएगी, मैं इसके लिए तैयारी कर रहा हूं तो वैकेंसी कब आएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इन ऑलरेडी अनाउंस वैकेंसी को एक लिस्ट में डाला जाए और आपके लिए प्रॉपर वीडियो बनाया जाए। जो अपडेट मेरे पास है इन वैकेंसी रिलेटेड वो मैं आपको प्रोवाइड करूं, ताकि आपको बार बार कमेंट करके पूछने का कष्ट ना करना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते होंगे लॉकडाउन ऑलमोस्ट खुल ही चुका है, काफी सारे डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज आना स्टार्ट भी हो चुके हैं और काफी सारे डिपार्टमेंट ने अपने एग्जाम की नई ऑफिशियली डेट भी अनाउंस कर दी है, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में प्रोवाइड कर ही चुका हूं। बात करते हैं उन टॉप 12 वैकेंसीज के बारे में जो कि ऑलरेडी अनाउंस हो रखी है और काफी लोग पूछ रहे कि इन वैकेंसीज का क्या होगा, ये निकलेंगी भी या फिर नहीं निकलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैकेंसी नंबर 12 से, जो कि है उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर 5623 वैकेंसी, जो कि 2019 में ही अनाउंस हो चुकी थी। पहले तो ये वैकेंसी जनवरी फरवरी में आने वाली थी, लेकिन उस टाइम पे नोटिफिकेशन में कुछ कमी रह गई थी, जिस वजह से वैकेंसी थोड़ी पोस्टपोन कर दी गई। फिर ये वैकेंसी मार्च अप्रैल में आने वाली थी, लॉकडाउन लग गया, वैकेंसी नहीं आ पाई। ये वैकेंसी बहुत ही जबरदस्त तरीके से अनाउंस हो रखी है और जरूर आएगी। अभी 3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी ने भी बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर वैकेंसी जरूर आएंगी और कुछ डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जिनमें वैकेंसी निकलना बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है, जिसमें से एक है पुलिस डिपार्टमेंट। तो इससे साफ पता चलता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी सबसे पहले आएगी। मेरे अकॉर्डिंग जून के लास्ट वीक तक ये सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि बहुत टाइम से वैकेंसी अनाउंस हो रखी है और अपडेट इसके बारे में आते ही रहते हैं। फ्रेंड्स, सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, एज लिमिट 21 to 28 है इसमें जनरल कैटेगरी की, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी एडवाइस आपके लिए ये है कि अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। और साथ ही यूपी के अंदर स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है कल या परसों, जिसमें 9213 स्टाफ नर्स की वैकेंसी यूपी SSSC डिपार्टमेंट के थ्रू कंप्लीट की जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये भी एक गुड न्यूज है। नंबर 11 पर आती है राजस्थान के अंदर होमगार्ड की 2500 वैकेंसी। फ्रेंड्स, जब से ये वैकेंसी अनाउंस हुई है बहुत सारे लोग एकदम से एक्टिव हो चुके हैं। फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुके हैं, इसके ऑनलाइन फॉर्म 10 जून 2020 से स्टार्ट हो रही है, नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी 8th पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जनरल कैटेगरी वालों के लिए एज लिमिट 18 to 35 ईयर रहने वाली है। बकायदा आपका इसमें एग्जाम भी होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ रखा हुआ है। नोटिफिकेशन एक बार डिटेल से चेक कर लेना, सभी डिटेल लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 10 पर आती है KVS वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2020, यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसके अंदर लोअर डिवीजन क्लर्क, MTS, स्टेनोग्राफर और टीचर्स की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी अनाउंस हुई थी जनवरी के अंदर। तब बोला गया था कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा मार्च मंथ के अंदर, लेकिन फ्रेंड्स उस टाइम से ही लॉकडाउन की सिचुएशन चली हुई है, इसी वजह से शायद वैकेंसी पोस्टपोन हो गई होगी। फ्रेंड्स, मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी है, बहुत सारे लोग इस वैकेंसी को लेकर कमेंट करते रहते कि वैकेंसी अनाउंस हुई थी लेकिन अभी तक ऑनलाइन फॉर्म नहीं आए। तो फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग जैसे अब नई वैकेंसीज आना स्टार्ट हो गई, अभी SSC के अंदर भी वैकेंसी आएंगी, बिहार के अंदर वैकेंसी आना स्टार्ट हो गई, मेरे अकॉर्डिंग जून या फिर जुलाई के अंदर KVS के अंदर भी इन सभी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि 2017 में फॉर्म रीओपन हुए थे, उसके बाद कोई भी वैकेंसी KVS के अंदर नहीं आई। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिफरेंट डिफरेंट है। MTS की पोस्ट के लिए 10th पास मांगा जाता है, LDC स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास मांगा जाता है और टीचर्स की पोस्ट के लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। काफी सारी वीडियोज में आपको बता चुका हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप वीडियोज देख लेना। नंबर 9 पर आती है यूपी SSSC लेखपाल 5200 वैकेंसी 2020। 19 अप्रैल के न्यूज़पेपर में अपडेट आया था कि लॉकडाउन के खुलने के तुरंत बाद इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म और ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस वैकेंसी के बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा, जैसे ही सभी वैकेंसीज आना स्टार्ट हो जाएंगी, ये वैकेंसी भी आपकी आ जाएगी जून के अंदर या फिर जुलाई के अंदर, वैकेंसी आपकी 100% आ जाएगी,
क्योंकि बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्होंने इस वैकेंसी को अनाउंस किया था कि 2020 में वैकेंसी जरूर कंप्लीट करानी है। सभी 12th पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट 18 to 40 ईयर इसमें मांगी जाती है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, तो प्रिपरेशन जारी रखिए। नंबर 8 पर आती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी 2019 जून या फिर जुलाई में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के साथ ही अनाउंस हो गई थी, लेकिन फाइनली दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इंटरनली इस वैकेंसी को जो सेंशन किया गया था वो फरवरी मंथ के अंदर किया गया था। मैंने आपको एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें इंटरनली ये डिसीजन लिया गया था कि इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म लगभग जून या फिर जुलाई के अंदर निकाले जाएंगे। इसी वजह से इसकी जो एज लिमिट की कट ऑफ रहेगी वो लगभग 1 जुलाई 2020 रहेंगी। मेरे अकॉर्डिंग 99% चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी आपकी लाइन में है, बहुत जल्द जून या फिर जुलाई तक आ जाएगी, आप वेट करिए। बहुत ज्यादा डिजायरेबल वैकेंसी बनी हुई है। मुझे पता है मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट बहुत ही बेसब्री से इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। सभी 12th पास फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। 18 to 25 ईयर जनरल कैटेगरी, एज लिमिट इसमें रखी जाती है। वेट करिए, प्रिपरेशन के ऊपर फोकस बनाए रखिए, वैकेंसी आपकी आने वाली है। नंबर 7 पर आती है यूपी ट्रिपलसी 800 स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2020। फ्रेंड्स, काफी टाइम पहले ये वैकेंसी अनाउंस हुई थी यूपी ट्रिपलसी की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपी ट्रिपलसी के अंदर आने वाले टाइम में लगभग 3000 वैकेंसी निकाली जाएंगी, जिसमें आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट थी, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट थी, वीडियो वगैरह की पोस्ट थी, बाकी आपकी ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल चुकी, जूनियर असिस्टेंट की भी आपकी निकल चुकी, लेकिन ये वैकेंसी अभी तक नहीं आई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग वैकेंसी आपकी जल्दी आएगी, जून जुलाई अगस्त मंथ तक आपकी आ जानी चाहिए, क्योंकि लगभग 2-3 साल से यूपी ट्रिपलसी के अंदर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी नहीं आई, और अगर वैकेंसी आपकी अनाउंस हुई थी तो जरूर आएगी, तो आप वेट करिए। स्टेनोग्राफर की अच्छी पोस्ट है, वैसे भी स्टेनोग्राफर की पोस्ट मेरी फेवरेट है, आपको पता ही होगा। नंबर 6 पर आती है मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी मध्य प्रदेश पुलिस 15,000 रिक्रूटमेंट 2020। मुझे पता 2019 के अंदर वैकेंसी अनाउंस हो गई थी कि 15,000 कांस्टेबल और लगभग 1500 सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली जाएगी, और लास्ट जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, उसमें ये बोला गया था कि फरवरी और मार्च के अंदर वैकेंसी ऑनलाइन कर दी जाएगी, लेकिन वैकेंसी अभी तक नहीं आई। शायद इसकी वजह से क्योंकि मार्च के बाद से तो लॉकडाउन ही चल रहा है। वैकेंसी बहुत ही जबरदस्त तरीके से अनाउंस हो किया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के काफी बार इसके ऊपर फटकार लगाई है कि वैकेंसी अभी तक क्यों नहीं निकली। तो मेरे हिसाब से तो वैकेंसी आपकी लाइन अप है, जल्दी ही निकलेगी जून जुलाई अगस्त के मंथ से, तो आप वेट करते रहिए। बहुत सारे लोग इस वैकेंसी का बेसब्री से वेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, 18 to 25 एज लिमिट होती है, 12th पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे इस वैकेंसी के लिए भी। नंबर 5 पर आती है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग काफी टाइम से वेट कर रहे हैं कि सीआरपीएफ के अंदर हेड कांस्टेबल और एएसआई की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी कब निकलेगी। देखिए, जो मुझे इंटरनली अपडेट मिला था सीआरपीएफ के अंदर से, वो कुछ ये था कि वैकेंसी आपकी मार्च और अप्रैल के मंथ में आ जाएगी। ये अपडेट मुझे जनवरी में मिला था, लेकिन उसके बाद से लॉकडाउन की सिचुएशन चली हुई है और उसके बाद मुझे कोई अपडेट नहीं मिला इंटरनली भी कि वैकेंसी कब आएगी। लेकिन अब काफ़ी सारे लोग बार बार कमेंट करके बोल रहे हैं कि सीआरपीएफ के अंदर एचसीएम और एएसआई की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी अक्टूबर में निकलेगी। अब मुझे नहीं पता कि आपका सोर्स क्या है, क्या आप सच बोल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरे पास इस वैकेंसी को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है, बस मैं ये कहूँगा कि वैकेंसी आपकी आएगी 2020 दिसंबर तक आ सकती है, लेकिन जब भी मेरे पास कोई अपडेट आएगा इंटरनली मैं आपको बता दूंगा। वैकेंसी नंबर 9 है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 52,000 रिक्रूटमेंट 2020। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हमेशा कमेंट करके पूछते रहते कि ये वैकेंसी कब आएगी, बहुत टाइम से अनाउंस हो रखी है कांस्टेबल की वैकेंसी, कब आएगी प्लीज बताइए। देखिए फ्रेंड्स, वैकेंसी आपकी बहुत जबरदस्त तरीके से अनाउंस हुई थी, आपको तो पता ही है 2018 में योगी आदित्यनाथ जी ने बोल दिया था कि 1.5 लाख वैकेंसी निकाली जाएंगी कांस्टेबल की, और लगभग 1 लाख वैकेंसी कंप्लीट हो चुके हैं। अब 50,000 के आसपास वैकेंसी और निकलनी है, और इस वैकेंसी के रिगार्डिंग हमेशा अपडेट आते रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, वैकेंसी जो आपकी आएगी दिसंबर या फिर जनवरी तक 100% आ जाएगी, क्योंकि आगे इलेक्शन भी तो आ रहे हैं, तो इनको ये टारगेट तो कंप्लीट करना पड़ेगा। वैसे भी दोनों वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी हैं, सेकंड वैकेंसी के कैंडिडेट ट्रेनिंग पे जाने का वेट कर रहे हैं, तो उसी के बाद आपकी ये नई वैकेंसी निकाली जाएगी कांस्टेबल 52,000 की। तो आप वेट करिए और अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन आपका जबरदस्त रहने वाला है और आपको इसमें सिलेक्शन लेना पड़ेगा। ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है, 12th पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
नंबर थर्ड पर आती है रेलवे टीटीई और को कैप्टन रिक्रूटमेंट। इन दोनों वैकेंसी को लेकर हमेशा काफी सारे लोग कमेंट करके बार बार पूछते रहते हैं कि रेलवे टीटीई की वैकेंसी कब आएगी या फिर रेलवे को कैप्टन की वैकेंसी कब आएगी, जो कि मालगाड़ी के अंदर निकलने वाली थी। अब देखें फ्रेंड्स, इन दोनों वैकेंसी का जो लास्ट अपडेट आया था वो नवंबर 2019 के आसपास आया था, जिसमें यह बोला गया था कि लगभग 2300 टीटीई की वैकेंसी 2020 के स्टार्टिंग में निकाली जाएगी और दूसरी जो को कैप्टन मालगाड़ी वाली वैकेंसी थी इसमें 2600 वैकेंसी पहले फरवरी के आसपास निकाली जाएगी और बाकी जो बड़ी वैकेंसी है को कैप्टन की वो आपकी नवंबर या फिर दिसंबर के आसपास निकाली जाएगी। उसके बाद से रेलवे के अंदर से कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बिल्कुल भी ऑफिशियली या फिर किसी भी बिना पर नहीं कह सकता कि ये दोनों वैकेंसी कब आएंगी। हाँ, अनाउंस हुई थी वैकेंसी आपकी, अगर अनाउंस हुई थी तो आने की उम्मीद है। अब वो चाहे आपकी 2020 के लास्ट में आए या फिर 2021 के स्टार्टिंग में आए, तो आपको वेट करना पड़ेगा। वैसे भी रेलवे के इतने सारे एग्जाम अभी पेंडिंग में है। नंबर सेकंड पर आती है आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की 9000 वैकेंसी। फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों 2019 जून में रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने अनाउंस कर दिया था कि हम एक और नई वैकेंसी निकाल रहे हैं आरपीएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर, क्योंकि उसके बाद इन्होंने कोई भी अपडेट इस वैकेंसी को लेकर नहीं दिया है। अनाउंस तो कर दी लेकिन वैकेंसी निकालना भूल गए, ये क्या बात हुई? ये आपकी बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। अगर आपने अनाउंस किया है तो इसके बारे में कुछ तो अपडेट दे। इतने सारे लोग वेट करके बैठे हैं जो कि 2018 वाली में डिस्क्वालीफाई हो गए थे, इस वैकेंसी की आस लगा के बैठे हैं, तो प्लीज इस वैकेंसी के बारे में कोई अपडेट दीजिए और इसका प्रोसीजर स्टार्ट करें। अगर नहीं निकालनी तो डिनाई कर दीजिए। अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि इस वैकेंसी को लेकर मैं आपसे क्या कहूं, क्योंकि कोई भी नया अपडेट नहीं आया उस दिन के बाद इस वैकेंसी को लेकर। बस वो न्यूज़पेपर में जो अपडेट आया था और जो पार्लियामेंट के अंदर पीयूष गोयल जी ने अनाउंस किया था, उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर इन्होंने वैकेंसी अनाउंस की थी तो उम्मीद है कि वैकेंसी निकल जाए 2020 के लास्ट तक या फिर 2021 के स्टार्टिंग में। तो वेट करने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। फाइनली नंबर फर्स्ट पर आती है एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। फ्रेंड्स, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल पोस्ट है और मुझे तो ये लगता है कि इंडिया के अंदर जितने भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं उनमें से 50% कैंडिडेट एसएससी कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी का ही वेट कर रहे हैं। और किसी दिन ऐसा हो सकता है कि हमारी वीडियो का कमेंट बॉक्स ही क्रैश कर जाए, क्योंकि इतने सारे लोग हमेशा इस वैकेंसी को लेकर पूछते रहते कि 84,000 वैकेंसी अनाउंस हुई थी, कब आ रही है वैकेंसी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ कोशिश किया कि इस वैकेंसी के बारे में कुछ अपडेट निकाल के लेकर आऊं कि कब वैकेंसी आएगी, और इतने सारे लोग इस वैकेंसी के बारे में पूछ रहे हैं तो इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनता है। मैं आपके सभी डाउट क्लियर करना चाहता हूं, तो यहां पर मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड लेकर आ रहा हूं और आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि माजरा क्या है, आखिर वैकेंसी कब आएगी और क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, आपको तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो अगली वीडियो में बात करते हैं। वैसे भी ये वीडियो तो काफी ज्यादा लेंथी हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यही थी टॉप 12 वैकेंसी, शायद कुछ ज्यादा ही हो गई, जो कि ऑलरेडी अनाउंस हो रखी है लेकिन वैकेंसी के बारे में कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं आ रहा है कि वैकेंसी कब आएगी। काफी सारे लोग पूछ रहे थे बार बार इन वैकेंसीज के बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए। तो आई होप आपको थोड़ा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि हमेशा आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और अब आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं वे टू सक्सेस 5 को, टेलीग्राम के ऊपर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।